वारदात बीती रात 1:30 बजे की है। मिलक कोतवाली क्षेत्र के एमपी गांव की गांव निवासी राजेश गंगवार का 22 वर्षीय पुत्र ज्ञानी गंगवार घर की बैठक में सो रहा था। परिजनों के अनुसार रात के 1:30 बजे उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वह बैठक में पहुंचे। चारपाई पर ज्ञानी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। परिजनों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। कुछ देर में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक युवक दो भाइयों में सबसे बड़ा भाई है और बिलासपुर मार्ग स्थित एक डिग्री कॉलेज में IIT कर रहा था। हल्का दरोगा लाइक अहमद ने बताया कि घटना मंगलवार रात 1:30 व 2 बजे के बीच की है। युवक के भाई छाती से गोली पेट से बाहर निकली हुई है। शव को पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। हत्या के वजहों की जाँच चल रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। ज्ञानेंद्र की माँ चंद्र का भी नाम है मेरा। ज्ञानेंद्र शाम को सो रहा था तो अचानक ही किसी ने 1 बजे गोली मार दी। फिर वो खोल के किवार आ गया अंदर। हमने देखा तो पापा ही की आवाज समझ में आई। बस और कुछ ना कही। हमने देखी तो गोली लगी हुई तो फिर बात हमारे तो होश खराब ही गए। मेरा नाम श्री प्रकाश है। मेरा जो ज्ञानेंद्र मेरा चचेरा भाई है। रात को किसी ने आकर मच्छरदानी के ऊपर से गोली मार दी। जो वहाँ से भागने के बाद आगे घर में पहुँचा। घर में जाने के बाद गिर गया। फिर तो लोगों को पता लगा, घर वालों सब उसके पापा को पता लगा तो उन्हें देखने को आनंद फानंद में लेकर मिला। वहाँ से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रामपुर रेफर कर दिया। क्या थाना मिलक के गाँव एमी में एक 22 साल के नौजवान ज्ञानेंद्र ज्ञानी की हत्या की सूचना प्रातःकाल उसके परिजनों ने दी है कि रात्रि में उसके बेटे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना मिलक में 302 IPC का अभियोग बनाम अज्ञात दर्ज कर लिया गया है। अति शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी करके शेष विधिक कार्यवाही करेंगे।